भारत की पश्चिम से उत्तर तक की यात्रा भाग दो। इस कहानी के उद्देश्य हैं क, लेह के घरों की बनावट की जानकारी, ख, लेह से और ऊपर चंगथोंग का सफर, ग, श्रीनगर के सुंदर घरों की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोगों ने उन राज्यों की राजधानियों के नाम याद रखे होंगे जो हमारे पिछले वीडियो में बताए गए थे। तो क्या मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं? तो बताइए, हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। अच्छा बताइए, राजस्थान की राजधानी क्या है? याद है आपको, धन्नो और शंकर ने वहाँ से रंग बिरंगी कठपुतलियाँ खरीदी थी। हाँ, सही बोला आपने, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। शाबाश बच्चों, आप तो बहुत होशियार हैं। तो चलिए अब चलते हैं लेह घूमने। समीर शंकर और धन्नो को अपना घर दिखा रहा है और शंकर कितना उत्साहित दिख रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। कैसी लगी आपको यहाँ की चाय? बहुत ही अच्छी चाय है यह समीर, इतनी ठंड में तो बिल्कुल उत्तम। धन्यवाद। आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। हाँ समीर, चलो। समीर का घर दो मंजिला था। उसका घर ईंटों से बना था और उन पर मिट्टी और चूना लगाया गया था। समीर के घर में बहुत सारी सूखी घास रखी हुई थी। ये देखिए, हम यहाँ रहते हैं। नीचे वाली मंजिल पर हमारे जानवर रहते हैं और हम वहाँ जरूरी सामान रखते हैं। अच्छा, यह तो बहुत अनोखी बात है। और जब बहुत ठंड होती है तब हम भी नीचे वाली मंजिल पर चले जाते हैं। क्या आप छत पर चलना चाहते हैं? हाँ जरूर समीर, चलो चलते हैं। समीर शंकर को छत पर ले गया। शंकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। कितना सुंदर नजारा है, सारे घरों की छतें समतल हैं। वह देखो, वहाँ लाल मिर्च सूख रही हैं, और वहाँ संतरे हैं, और वहाँ भुट्टे। कितना मजेदार नजारा है। हाँ, और वहाँ देखिए धान के ढेर, और वहाँ गोबर के उपले सूख रहे हैं। ये हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम सब गर्मियों में छतों पर सब्जी फल सुखाते हैं और सर्दियों में उसका उपयोग करते हैं। हाँ समीर, यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, तो तैयारी तो पूरी करनी पड़ती होगी। मैंने निरीक्षण किया है कि तुम्हारे घर का निर्माण ठंड से बचाव में तुम्हारी मदद करता है, जैसे मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छतें, सब ठंड में तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। और आजकल लेह के काफी सारे घरों में सौर तापीय ऊर्जा से भी घर गर्म रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद समीर, तुमने मुझे अपना घर दिखाकर लेह के घरों की जानकारी दी। अब मुझे चलना चाहिए। शंकर, कैसा लगा तुम्हें लेह का खूबसूरत घर? समीर का घर बहुत सुंदर है धन्नो, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगा। अब हमें चलना चाहिए। धन्यवाद समीर, तुम भी कभी मुंबई आना। शंकर समीर के घर से निकलता है और अब धन्नो पे सवार होकर वो और ऊंचाई के क्षेत्र पर चढ़ने की तैयारी करता है। अब आगे का रास्ता और घुमावदार और संकीर्ण होगा।
कहीं कहीं तो रास्ते ना के बराबर होंगे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं। अरे शंकर देखो, यहाँ तो रास्ता और भी संकीर्ण है, कहीं कहीं तो सड़क ही नहीं है। हाँ धन्नो, मुझे तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ऐसा होता है। यह वायुमंडलीय घनत्व और दबाव के कारण होता है। हाँ शंकर याद है, यहाँ के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखो धन्नो, यहाँ हमें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। चलो नक्शे में देखते हैं कि हम कहाँ हैं। शंकर नक्शे में देखता है तो उन्हें समझ आता है कि वे चंगथोंग नाम की जगह पर थे और ये जगह 5000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। वह देखो धन्नो, कितनी सुंदर और साफ झीलें हैं और आसमान कितना नीला है। मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। सुनो शंकर, क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं रुक जाएं और इस सुंदर दृश्य का आनंद लें? हाँ धन्नो जरूर। शंकर और धन्नो वहीं रुक जाते हैं। शंकर तस्वीरें खींचने लगता है, वहीं शंकर को कुछ तंबू दिखते हैं। वहाँ देखो धन्नो, कुछ तंबू दिख रहे हैं ना? चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ इतनी ऊंचाई पर कौन रहता होगा।